दोस्तों इस वीडियो में मेरे पास है एक सीलिंग फ़ैन जो कि कंपनी का फ़ैन है, यानी यहाँ पर ये हैविल्स कंपनी का फ़ैन है जिसको आज हम रिवाइंड करेंगे। यानी मैंने इसको चेक कर लिया है, ये मोटर फूका हुआ है और इसको सिर्फ रिवाइंड करना ही करना है। तो देखिए ये यहाँ पर हैविल्स 20 पर लिखा हुआ है, यानी ये हैविल्स कंपनी का फ़ैन है। तो इसको कैसे रिवाइंड करते हैं आज की वीडियो में यही जानेंगे, और इसकी कौन सी वाइंडिंग डेटा ओरिजिनल होती है ये भी जानेंगे, और कौन सी डेटा इसमें बिना काउंट के भी डाल सकते हैं ये भी जानने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से तीन बोल्ट इसके खोले जाते हैं और ये ओपन हो जाता है। तो चलिए यहाँ से तीनों बोल्ट मैं खोल लेता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पर ये इसका स्टेटर मैंने बाहर निकाल लिया है। तो देखिए ये नीचे वाला जो सर्किट है इसका बिल्कुल बुरी तरह से जल चुका है, यानी ये अब रिपेयर के मतलब का बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इसको रिवाइंड करना ही करना है। तो यहाँ इसके लिए सबसे पहले हमें इसकी जितनी भी कॉइल्स हैं उनको कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ सभी कॉइल्स की कटिंग कर ली गई हैं और सभी को बाहर निकाल लिया गया है, और ये जो स्टेटर है ये बिल्कुल फ्रेश कर लिया है। तो देखिए ये कटी कॉइल हैं जिनको बाहर निकाल कर अलग कर दिया है। अब देखिए इसकी दो कॉइल मैंने अलग निकाल ली हैं जिसको कि काउंट किया है, यानी इसकी जो ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा है मुझे उससे पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी कितनी टन इसमें नीचे डाली गई हैं और कितनी टन इसमें ऊपर डाली गई हैं। तो देखिए ये दो कॉइल हैं जिसको मैंने काउंट किया है, ये नीचे वाली कॉइल है यानी स्टार्टिंग वाली जो यहाँ पर लगी हुई थी इस जगह पर। तो देखिए इसको काउंट करने पर यहाँ 370 टन निकली हैं जो कि इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा है। अब देखिए इसमें इसका जो वायर गेज किया गया है तो वो 36 नंबर वायर इसका निकला है। अब देखिए ये वाली है यहाँ की कॉइल जो कि रनिंग वाली कॉइल है, और जब इसको काउंट किया गया है तो यहाँ पर ये 400 टन इसमें निकली हैं जो कि इसकी ये भी ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा है, और जब इसका वायर गेज किया गया है तो ये भी 36 ही नंबर इसमें निकला है, यानी दोनों का वायर गेज सेम है। 36 नंबर नीचे भी डाला जाएगा और 36 नंबर ऊपर भी डाला जाएगा, दोनों का वायर गेज सेम रहेगा। तो देखिए ये वायर गेज यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ, इसमें 36 नंबर निकला है। तो देखिए ये वाला वो इस वाली स्लॉट में ये वायर गया था जो कि 36 नंबर है। अब इसकी जो स्टाम्पिंग है यानी इसकी जो कोर की मोटाई है वो भी देख लेते हैं कि ये कितनी मोटी है। तो यहाँ देखिए स्केल से जब हमने इसको चेक किया है तो यहाँ पर ये 10 mm इसकी मोटाई निकल कर सामने आई है। चलिए और पास से दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए 10 mm इसकी जो मोटाई है वो स्टाम्पिंग की मोटाई निकली है। तो यहाँ हमने इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी जान ली है। अब देखिए यहाँ पर जो इसके ये कटे कटे खाने हैं यानी स्लॉट से ये नीचे भी 12 है और ऊपर भी 12 है, यानी ये 24 स्लॉट का स्टेटर है। इसमें 12 कॉइल नीचे डाली जाएंगी और 12 ही कॉइल ऊपर डाली जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इस तरह से पेपर लगाना होता है। देखिए नीचे वाली जो सर्किट है उसमें 12 के 12 स्लॉट में मैंने इस तरह से पेपर लगाया है। इस तरह से पेपर लगाने के बाद अब इसे मशीन पर ले चलते हैं और रिवाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ये नीचे वाला जो सर्किट है यानी स्टार्टिंग वाला, ये मैंने कंप्लीट रिवाइंड कर लिया है, यानी इसकी 12 की 12 कॉइल कंप्लीट कर ली गई है और हर कॉइल में 370 टन डाली गई हैं। 36 नंबर इसमें कॉपर वायर यूज़ किया गया है। तो देखिए अब यहाँ पर इसमें जो हमने पेपर लगाया था वहाँ पर ये कॉइल डाली जा चुकी हैं। अब ऊपर से जो पेपर और लगाया जाता है उसको यहाँ से लगाया जाएगा इस जगह से। देखिए यहाँ पर पेपर लगाने के बाद ये
कॉयल बिल्कुल लॉक हो जाएगी, यानी चारों तरफ कॉयल पेपर के बीच में आ जाती है, जिससे कि एक भी वायर स्टेटर पर नहीं जाता और ना ही अर्थ होता है। तो चलिए यहाँ इसके मैं पेपर लगा लेता हूँ और ऊपर वाले भी पेपर कंप्लीट करके लगा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ नीचे वाली कॉयल में भी यहाँ कुछ इस तरह से पेपर लगा लिया गया है। देखिए अब इसको पेपर लगने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है, यानी इसके आर पार पेपर इस तरह से लगाया जाता है। देखिए ये पेपर इस तरह से लगाना कंपलसरी होता है, यानी ये लगाना ही लगाना है। अगर यहाँ ऊपर से पेपर नहीं लगाएंगे तो मोटर शॉर्ट हो जाएगी, यानी जो इसका स्टेटर है जिसमें लोहा है उसमें वायर लग जाएगा और इसमें करंट बन जाएगा, जिससे मोटर जल्दी ही शॉर्ट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये पेपर लगाना एक कंपलसरी है, यानी लगाना ही लगाना है। अब देखिए यहाँ जो ये कॉयल है ये बिल्कुल चारों तरफ से पेपर के अंदर आ चुकी है, यानी बिल्कुल सेफ हो चुकी है। और देखिए यहाँ साथ ही साथ मैंने इसका जो ऊपर वाला सर्किट है ये वाला रनिंग वाला, इसमें भी मैंने पेपर लगा लिया है और इसको भी मशीन पर ले जाकर कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, यानी इसका जो ऊपर वाला सर्किट है ये वाला रनिंग वाला, इसको भी कंप्लीट वाइंड कर लिया है। और इसकी भी हर कॉयल में 400-400 टर्न डाल दी गई हैं और इसका जो वायर है वो 36 नंबर इसमें यूज़ किया गया है, यानी वो नीचे भी हमने 36 नंबर यूज़ किया था और ऊपर भी 36 नंबर यूज़ किया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये दो कलर का वायर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ नीचे वाला सर्किट बनाने के बाद जो वायर था वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए यहाँ पर ये इसी नंबर का दूसरा वाला रील खोलकर लगाया, जिसका कलर अलग आया है। अब देखिए यहाँ पर जो इसके चार वायर हैं उनको मैंने लीडे बनाकर ऊपर की ओर निकाल लिया है। ये देखिए यहाँ से दो रनिंग वाली लूपें हैं और दो स्टार्टिंग वाली लूपें हैं। अब इनको यहाँ इसके साथ वायर कनेक्ट करने के बाद इस शाफ्ट के ज़रिए बाहर निकाल लिया है और यहाँ पर देखिए चार वायर आ चुके हैं, दो येलो कलर के और दो रेड कलर के। अब येलो कलर के ये स्टार्टिंग के होते हैं अंदर वाले, और जो रेड कलर के हैं ये यहाँ के होते हैं बाहर वाले। देखिए अलग अलग कलर के वायर लगाने का मतलब ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमने कौन सा वायर स्टार्टिंग का बनाया है और कौन सा वायर रनिंग का बनाया है। अगर हम एक ही तरह से चारों वायर एक ही कलर के डाल देंगे तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है, इसलिए अलग अलग कलर के दो अलग कलर के वायर लगाएंगे तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन से कलर का वायर रनिंग बनाया है और कौन से कलर का स्टार्टिंग। तो चलिए अब यहाँ पर ये मोटर सूखकर कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले इसको ऊपर वाले जो इसका कवर है उसमें लगा लेते हैं, चाहे तो आप नीचे वाले में लगा सकते हैं लेकिन ऊपर वाले में थोड़ा लगाने के बाद आसानी से ये बैठ जाता है। नीचे स्प्रिंग होता है इसलिए वहाँ पर जल्दी से सेटिंग नहीं हो पाती, इसलिए ऊपर वाले में अगर लगाएंगे तो जल्दी से ये सेट हो जाता है। वैसे आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप नीचे वाले में भी रख सकते हैं स्टेटर को पहले, चाहे तो ऊपर वाले में भी। अब यहाँ देखिए ऊपर वाली जो इसकी प्लेट है वो लगाई गई है। अब यहाँ इसका जो रिंग है वो लगाकर देख लेते हैं कि इसका सेंटर आपस में मिला हुआ है या नहीं, यानी रिंग और स्टेटर का जो सेंटर होता है उसको आपस में चेक करना होता है। अगर ऊपर नीचे होता है तो वहाँ उसको एक ही लाइन में किया जाता है, अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये फैन गर्म चलेगा। अब यहाँ स्प्रिंग रखने के बाद देखिए नीचे वाली जो इसकी प्लेट है उसको भी यहाँ इस तरह से रख देंगे और यहाँ इसके जो होल हैं वो आमने सामने बिल्कुल यानी नीचे ऊपर कर लेंगे, जिससे कि स्क्रू या बोल्ट लगाने में आसानी हो जाए। अब एक एक करके इसके तीनों बोल्ट टाइट कर लेंगे और उसके बाद इसकी जो सेटिंग है वो अच्छे से कर लेंगे। इसके बोल्ट टाइट करने का ये तरीका है कि सबसे पहले एक बोल्ट इसका थोड़ा सा टाइट किया जाएगा, उसके बाद दूसरा बोल्ट टाइट किया जाएगा, उसके बाद तीसरा, और उसके बाद फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते करते इसको टाइट करते हैं।
तो इससे इसकी सेटिंग बहुत जल्दी आ जाती है और हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। तो देखिए लगभग इसके बोल्ट पूरे अच्छी तरह से टाइट हो चुके हैं। अब यहाँ इसकी सेटिंग बिल्कुल बेहतरीन आ चुकी है। यहाँ पर हमें किसी भी तरह से हैमर का यूज़ करना नहीं पड़ा है। अब यहाँ देखिए इसकी जो ये शाफ्ट है इसमें स्लॉट बनी हुई नहीं है, यानी चीरी हुई ये नहीं है। तो इसके लिए हमें इस तरह से एक वायर लेना होता है, चाहे तो आप स्पोक भी ले सकते हैं, चाहे तो कोई हार्ड वायर भी ले सकते हैं, जिसको आगे से थोड़ा सा मोड़ लेंगे यानी हुक बना लेंगे और उसको इस तरह से एक एक वायर इसका निकाल कर बाहर कर लेंगे। यानी इस होल के अंदर से ही हम इसको जो इसके चारों वायर हैं उसको बाहर निकाल लेंगे एक एक करके। अगर ये यहाँ पर स्लॉटिंग होती या कटी हुई या झीरी बनी हुई होती तो बड़ी आसानी के साथ ये वायर नीचे की ओर हो जाते हैं और इनको ऊपर भी किया जाता है, लेकिन जहाँ पर ये स्लॉटिंग नहीं होती है वहाँ पर हमें इस वायर का यूज़ करना होता है, जिससे कि इसके चारों वायर यहाँ से बाहर निकाले जाते हैं। अब देखिए यहाँ से इसके चारों वायर ये बाहर निकल गए हैं। अब यहाँ इसके कनेक्शन समझ लेते हैं। तो देखिए दो वायर ये इधर हो जाते हैं अलग अलग कलर के और दो इधर से, चाहे तो आप कहीं से भी इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो दो वायर कोई से भी अलग अलग कलर के लेकर यहाँ पर हम इसको आपस में जॉइंट कर लेंगे और ये बन जाएगा इसका कॉमन, यानी एक सप्लाई का वायर इसी पर आने वाला है। अब देखिए दो वायर बचे हुए हैं और दो ही वायर ये कैपेसिटर के हैं। तो यहाँ कैपेसिटर का कोई सा भी वायर कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि रेड वाला ही कहीं एक तरफ लगाया जाए और येलो वाला दूसरी तरफ लगाया जाए, जहाँ मर्जी वहाँ पर कोई सा भी वायर इस पर लगा सकते हैं। अब देखिए चारों वायर के कनेक्शन हो चुके हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले इसका जो कैपेसिटर है उसको यहाँ पर इसकी जो शाफ्ट है उसके अंदर इस स्क्रूज के ज़रिए यहाँ अच्छे से सेट कर लेंगे, जिससे कि ये नीचे ऊपर की ओर नहीं होगा। अब यहाँ ये देखिए यहाँ पर अब अपनी सीरीज वायर उठाएंगे और यहाँ पर देखिए मैंने बोर्ड में इसका जो प्लग है वो लगा लिया है और यहाँ पर ये सप्लाई आ चुकी है। अब एक सप्लाई का वायर यहाँ इस कॉमन पर लगाएंगे और दूसरा वाला वायर रेड वाले कलर के वायर पर लगाएंगे जो कि कैपेसिटर के साथ है। तो यहाँ चेक करने पर ये उल्टे हैं। अब यहाँ से हमें ये दोनों रेड कलर के वायर अलग अलग खोलकर बदल देने हैं, यानी इनको चेंज कर देना है। जो कैपेसिटर पर लगा हुआ था वो कॉमन पर लगा देंगे और जो कॉमन पर लगा हुआ था वो कैपेसिटर पर लगा देंगे। तो इससे हमारे जो चक्कर हैं यानी इसके जो राउंड है वो सीधे आ जाएंगे। अब देखिए चेक करेंगे और पता चल जाएगा इसके राउंड सीधे हो चुके हैं। तो देखिए अब ये राउंड बिल्कुल सीधे हो चुके हैं। तो इस तरह से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। अब चलिए सीरीज वायर मैं बाहर निकाल लेता हूँ बोर्ड से और इसको हाथ से इस तरह से दोनों वायर इसके जॉइंट कर लेता हूँ। और अब यहाँ पर इसे हैंग करने के बाद यहाँ पर अब हम इसको करंट देंगे, जिससे कि अब हमें पता चल जाएगा कि ये कैसी स्पीड में घूम रहा है। तो देखिए बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ, यानी जितनी ओरिजिनल स्पीड इसकी आनी थी वो आ चुकी है, जितना कंपनी से निकलकर इसकी स्पीड आई थी उतनी ही स्पीड यहाँ पर आ चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने हैविल्स कंपनी के फ़ैन को किस तरह से रिवाइंड किया जाता है ये जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।